अति प्राचीन भांडवपुर महातीर्थ में प्रतिष्ठा महोत्सव धूमधाम से संपन्न, हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने लिया भाग। भांडवपुर महातीर्थ में पुण्य सम्राट जयसेन सुरेश्वर महाराज के पट्टाधर द्वय गच्छाधिपति आचार्य नित्यसेन सुरेश्वर महाराज व आचार्य भांडवपुर तीर्थोधारक जयर्दन सुरेश्वर महाराज की पावन निश्रा में प्रतिष्ठा महोत्सव धूमधाम से संपन्न हुआ। महोत्सव को लेकर सोमवार प्रातः भगवान भास्कर की प्रथम किरणों के साथ ही श्री महावीर बावन जिनालय, श्री वर्धमान राजेंद्र जनागम मंदिर, श्री शाश्वत जिन सत्य, श्री गंधर्वपुरुवाचार्य मंदिर, श्री राजेंद्र सूरी मंदिर, पुण्य सम्राट श्री जयसेन सूरी समाधि मंदिर, श्री शांति विजय समाधि मंदिर आदि 105 बिंबों की प्रतिष्ठा निमित्त तीर्थ परिसर में गुरु भक्तों का अथाह समंदर लहराने लगा। तीर्थ परिसर में प्रतिष्ठा निमित्त शुभ मुहूर्त में प्रभु एवं गुरु प्रतिष्ठा के साथ शिखर पर ध्वजा, दंड, कलश स्थापना आदि के लाभार्थी परिवार अपने स्थान पर पहुंच गए। गच्छाधिपति नित्यसेन सूरी जी एवं आचार्य देव जयर्द सूरी जी महाराज की निश्रा में अंतर्राष्ट्रीय विधि कारक सत्यविजय हरण के मंत्रोच्चार के साथ प्रतिष्ठा की विधि कराई गई। जैसे ही प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी आई तो डंका बजते ही सभी लाभार्थियों ने यथास्थान एक साथ प्रतिष्ठा संपन्न की तो तीर्थ परिसर में हजारों गुरु भक्तों ने वीर प्रभु एवं गुरुओं का जय घोष करते हुए वातावरण को गुंजायमान करते हुए ढोल की थाप पर नृत्य करने लगे। विभिन्न नृत्य मंडलियां सभी को आकर्षित कर रही थी तो पंजाब बैंड सुमधुर लहरियों के साथ अपने कर्तव्य दिखा रहा था। तीर्थ का दृश्य अलौकिक और अवर्णनीय हो गया। धर्मसभा का हुआ आयोजन। भव्य प्रतिष्ठा के पश्चात छत्रकुंड नगरी में धर्मसभा का आयोजन हुआ। गच्छाधिपति नित्यसेन सूरी महाराज ने मंगलासन करते हुए कहा कि समाज के लोगों में संगठन नहीं होगा तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। हम दोनों पट्टाधर द्वय मिलकर ही सब कार्य करेंगे। आज भांडवपुर की स्मृति भारत ही नहीं देश विदेश में भी इसकी गौरवगाथा कह रही है। हम दोनों का नाम था परंतु पुण्य सम्राट के पायलट कार्यदक्ष मुनिराज आनंद विजय महाराज ने पूरी प्रतिष्ठा में अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए सभी कार्य संपन्न किए जिससे ये प्रतिष्ठा सानंद संपन्न हुई। इसकी हमें प्रसन्नता है। खतरगच्छी आचार्य मनोज्ञ सागर महाराज ने कहा कि मैं जयर्दन सूरी के अतुल प्रेम और अतुल आत्मीयता के कारण इस प्रतिष्ठा में आने का योग बना। इसकी कड़ी मेहनत एवं पुरुषार्थ के कारण ही इस तीर्थ की जौहजलाली देखकर मेरा मन गदगद हो गया। प्रतिष्ठा की जौहजलाली देखकर मैं एवं आचार्य जिन मणिप्रभ सागर के साथ समस्त खतरगच्छ की ओर से द्वय आचार्यों को बधाई देता हूँ। इस तीर्थ का जो द्वय एवं भव्य रूप बना इसमें आचार्य श्री की स्वयं साधना एवं श्री शांति विजय द्वारा बोए बीज को सिंचित कर इस तीर्थ को भव्य रूप प्रदान किया। वहीं श्री जयरत्न सूरी जी के पुरुषार्थ का ही कमाल है। भांडवपुर तीर्थोधारक आचार्य श्री जयरत्न सूरी जी महाराज ने कहा कि आप सभी के पुण्य से ये कार्य निर्विघ्न हुआ है। मुझे यश देना नहीं, मेरी अब यही भावना है कि त्रिस्तुति संघ समुदाय के प्रत्येक साधु साधवी को पढ़ाकर योग्य बनावे। मेरी एक आंख में पुण्य सम्राट एवं दूसरी में योगीराज है और उनके सहयोग से ही ये कार्य सफल हुआ है तो मेरा जीवन धन्य हो गया। त्रिस्तुतिक गच्छ के सभी आचार्य हम दोनों के कार्यों के साथ हैं। त्रिस्तुतिक जैन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वागजी भाई वोहरा ने पट्टाधर द्वय को भांडवपुर चातुर्मास करने की विनती सकल संघ की ओर से करते हुए कहा कि जैन जगत के इतिहास में भांडवपुर महातीर्थ का एक स्वर्णिम पृष्ठ आज अंकित हुआ है। हमें जो असंभव कार्य दिख रहा था वह कार्य आचार्य श्री ने संभवत कर दिखाया। हमारा सौभाग्य है कि जयत्न सूरी दीर्घ दृष्टि वाले गुरु की सत्र साया हम सबके ऊपर है, क्योंकि जंगल में मंगल करने का कार्य ऐसे ही गुरु कर सकते हैं। यह प्रतिष्ठा अकथनीय और अकल्पनीय हुई है। प्रतिष्ठोत्सव में आज नाहर सेटल ट्रस्ट के सुखराज नार, मूलसन साजेड, नाकोड़ा जैन तीर्थ के रमेश कुमार मुत्ता, श्री आदिनाथ राजेंद्र जैन ट्रस्ट मोहन खेड़ा के ट्रस्टी पृथ्वीराज कोठारी, सुजान मलसेठ नवकार अरसर जिनाले के ट्रस्टी बाबूलाल, भरतपुर तीर्थ के ट्रस्टी बसंती देवी किशोरमल खिमावत, पवनी देवी लुक्कड़, बामोदर जिनाले भीनमाल, मूलसन सौधरी सिद्धार्थ काच्यप, जीवदया प्रेमी पॉलीकेब इंडिया लिमिटेड के CMD इंद्र भाई जयसिंगानी, उद्योगपति अशोक बागला, रणजीत लड्डा आदि सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रतिष्ठा के अंतिम दिन साई करबा विजू देवी भोलाल बालगोता मंगलवा की ओर से एवं फलेश कुंडली संघवी कुंदनमल गाडूजी बालगोता मंगलवा की ओर से की गई। आज भांडवपुर के इतिहास में बहुत बड़ा दिन था। आज भांडवपुर में महावीर स्वामी मंदिर की प्रतिष्ठा संपन्न हुई। आचार्य महाराज नित्यसेन गच्छाधिपति नित्यसेन सुरेश्वर जी और आचार्य महाराज जयरत्न सुरेश्वर जी की निश्रा में ये संपूर्ण कार्य संपन्न हुआ। गुरुदेव की बहुत सालों से इच्छा थी कि भव्य से भव्य प्रतिष्ठा भांडवपुर में मनाई जाए और ये ऐतिहासिक काम ऐतिहासिक बन गया, क्योंकि ऐसी प्रतिष्ठा जो भी लोग यहाँ पे दर्शनार्थ आए, न गुजरात, न राजस्थान, न मालवा, न साउथ, अपितु फॉरन जापान से भी यहाँ लोग दर्शन करने प्रतिष्ठा में माँ महोत्सव का आनंद लेने आए और उनके मुंह से जो निकला कि ऐसी प्रतिष्ठा हमने कभी नहीं देखी है और भव्य से भव्य ये संपन्न हुई। जय महावीर। दियावट पट्टी के अंदर और ये दियावट की राजधानी से अंकित की जाए तो भी कम बात है।
यहाँ पे तारीख 5 तारीख से लगा के 19 तारीख तक यहाँ किया। यहाँ का जो भव्य आयोजन हुआ है, ट्रस्ट मंडल को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इतनी शानदार व्यवस्था की और बहुत अद्भुत देखने लगा। रंग रोगन रोशनी से सजाया हुआ पूरा का पूरा ये तीर्थ और यहाँ से कम 200 बसों का आगमन हुआ है। आने और जाने का जो यहाँ से 100 किलोमीटर की परिधि में 50 किलोमीटर की परिधि के अंदर गांवों के अंदर बसों का सुबह आना और शाम को जाना, इतनी शानदार व्यवस्था के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।